नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झुके, व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराएंगे। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित और कुख्यात व्यापम घोटाले में अंततः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झुक गए। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने का ऐलान कर दिया है। शिवराज ने कहा कि मैं जनमत का सम्मान करता हूं और हाईकोर्ट से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जांच सीबीआई से कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले से जुड़ी मौतें और घोटाले की पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि शिवराज देर से आए मगर दुरुस्त आए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि चौहान पहले सीबीआई जांच से क्यों बच रहे थे। समृद्ध देश की भाषा समृद्ध होती है, कहा नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समृद्धि के साथ भाषाओं की समृद्धि को जोड़ते हुए मंगलवार को कहा कि जो देश आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं उनकी भाषा के पंख भी बड़े तेज हो जाते हैं और आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं के साथ भी ऐसा ही होगा। मोदी ने उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान ताशकंद में भारतविद छात्रों और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाषा का आर्थिक स्थिति से सीधा संबंध होता है। मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में भारत की भाषाओं का महत्व भी बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत जैसे जैसे आगे जाएगा उसकी भाषाओं का महत्व बढ़ेगा। इस अवसर पर मोदी ने उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शवकत मिरामोनोविच मिर्जियोयेव और भारतविद रखमानोव के साथ पहले हिंदी उज्बेकी शब्दकोश का लोकार्पण भी किया। बलूचिस्तान में पाक विरोधी तत्वों की मदद कर रहा है भारत, रक्षा मंत्री आसिफ का आरोप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत के विरुद्ध एक बार फिर अनर्गल प्रलाप किया है और आरोप लगाया है कि वह बलूचिस्तान की शांति को भंग करने वाले तत्वों की मदद कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना शत्रु के मंसूबों को विफल कर देने में सक्षम है। देश की सुरक्षा के लिए परमाणु अस्त्र भी हैं जिनका उपयोग देश के लिए संकट की स्थिति में किया जा सकता है। हालांकि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब आसिफ ने बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में भारत का नाम लिया है। आईएफ ने किया 111 इराकी बच्चों का अपहरण। कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उत्तरी इराक के मोसुल शहर के विभिन्न जिलों से 111 स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया। समाचार चैनल अल सुमारिया ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के प्रवक्ता सईद मामूजीनी के हवाले से बताया कि अपहरण किए गए बच्चों में ज्यादातर 10 से 15 वर्ष के हैं, जिन्हें आईएस के शैक्षणिक और सैन्य केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है। आतंकवादियों ने बच्चों के अपहरण का विरोध कर रहे 78 लोगों को भी बंधक बना लिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।